Hello and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. Today, we will do session number 5 of Macroeconomics, that is Output and Employment. The topics covered in this session are the introduction, aggregate production function, demand for and supply of labor, and aggregate demand and aggregate supply functions. So firstly, we'll discuss the introduction of output and employment. So as in previous sessions, हमने ये पढ़ा कि जो national कैसे national income जो हम determine करते हैं three sector में four sector model में और basically जो three sector model होता है उसमें national income determine करते हैं वो भी basis of government expenditure transfer या taxes के basis पर और जो फोर्थ सेक्टर मॉडल है उसमें फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूडेड होता है तो ये जो इंक्लूजन हुआ है इसने इन्फ्लुएंस किया जो फॉरेन सेक्टर मॉडल इंक्लूड हो गया है इससे इसने इन्फ्लुएंस किया है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इससे फॉरेन फोर्थ सेक्टर मॉडल में जो फॉरेन सेक्टर को हमने इंक्लूड कर लिया इससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज्यादा उसका लेवल जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया मोटिवेट हो गया बढ़ गया है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का उसके थ्रू सो बेसिकली इस सेशन में हम देखेंगे कि एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है जैसे कि आपने देखा जो हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या डिटरमाइन करती है इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी जो एज्यूम करके चलती है पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बीच में बिटवीन The physical output and the changes in the volume of employment. कि physical output कितना आ रहा है और हमारी employment में volume कितनी change हो रही है, right? और कितने employees हैं हमारे पास और कितना output हमें मिल रहा है. तो अगर employment is understood as an increased utilization of resources, अगर हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा employees रखेंगे तो हम अपनी अपनी utilization जो resources का है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं ये ऑब्वियस हो जाएगा कि मोर एम्प्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर मतलब कि ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट मोर आउटपुट विदाउट एनी मोर एम्प्लॉयमेंट ये भी पॉसिबल नहीं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के बिना हम ज्यादा आउटपुट कर ले इसलिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी है स्पेसिफिकली डज नॉट स्पेसिफिकली स्टेट वेदर एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल आउटपुट चेंजेस और द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट फंक्शन Then we have, we'll discuss now aggregate production function. So before discussing aggregate production function, firstly we'll talk about aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand क्या होती है? Aggregate demand होती है हमारी total demand जो final goods और services के लिए in the economy एक given time पे और एक given price level पे एक पर्टिकुलर मतलब जो भी गुड्स है या सर्विसेज है उसकी टोटल डिमांड कितनी है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड है एंड इन सेम वे एग्रीगेट सप्लाई क्या है टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड नाउ प्रोडक्शन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो स्टेट करता है रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन फिजिकल इनपुट जो हम दे रहे हैं और फिजिकल आउटपुट जो हमें मिल रहा है वही प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि जितने हमने रॉ मटेरियल एम्प्लॉयज जितना भी हमने इनपुट डाला फिजिकल इनपुट उससे हमें फिजिकल आउटपुट फाइनल गुड और सर्विसेज क्या मिला वही प्रोडक्शन फंक्शन है देन ये डिटरमाइन करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड विच इन टर्न डिटरमाइन इट्स सप्लाई प्राइस यानी कि ये डिटरमाइन करता है कि हमारे एक गुड को प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग क्या है जो इन टर्न हमें सप्लाई का प्राइस बताए जो हमें कॉस्टिंग पता चल जाएगी कि एक चीज को प्रोडक्शन में एक चीज को प्रोड्यूस करने में इतना पैसा लगा है तो हमें इसको सप्लाई करने का प्राइस उसका क्या होना चाहिए उसके हिसाब से उसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके तो इट्स ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच इनपुट इज रिक्वायर्ड एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट एक इतना गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कितना इनपुट रिक्वायर्ड होगा ये भी हमें एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू पता चलेगा देन रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ रियल आउटपुट फॉर एन इकोनॉमी एंड द अमाउंट ऑफ लेबर
इनपुट इज टर्म्ड एज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन. तो हमें कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है रियल आउटपुट की हो रही है हमारे इकोनॉमी के लिए, और जो अमाउंट ऑफ लेबर जो इनपुट है हमारा उसको हम टर्म इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज वो क्या है हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्राइसिंग है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट वी हैव नाउ द डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमांड. भाई कितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारी टोटल डिमांड कितनी है हमारे प्रोडक्ट की. वेयर एज जो डिमांड ऑफ गुड है वो क्या है सॉरी इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक डिराइव्ड डिमांड है और हमारी जो डिमांड ऑफ गुड है वो एक डायरेक्ट डिमांड है. तो दिस इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डिमांड एंड द डिराइव डिमांड. डायरेक्ट क्या है, जो किसी भी चीज की हमें डायरेक्ट डिमांड होती है, हमें एक नोटबुक चाहिए, हमें एक पेन चाहिए, राइट. और अगर हम इसकी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे इंक है पेन के लिए या पेपर है नोटबुक के लिए, वो क्या है हमारी डिराइव डिमांड. तो फर्म डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो डिपेंड करती है ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. किस किस के ऊपर डिपेंड करती है एक फर्म की डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए. तो डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट कितना है, राइट. फाइनल प्रोडक्ट जो भी हमें चाहिए उसकी कितनी डिमांड है. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, उसके सब्सिट्यूट कितने कौन अवेलेबल है, कितने सब्सिट्यूट उसके अवेलेबल है. एंड प्राइस ऑफ अदर फैक्टर, और दूसरे सेक्टर की प्राइसेस क्या है. जैसे कि अदर फैक्टर ए को हम यूज कर सकते हैं एक सब्सिट्यूट फैक्टर बी की जगह. देन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ए वुड लीड टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फैक्टर बी. अगर ए की डिमांड प्राइस फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बी का भी डिक्रीज हो जाएगा. तो ये तीन हमारे पास एलिमेंट है जिसके ऊपर फर्म की डिमांड जो है डिपेंड करती है. देन वी हैव डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है हमारा लेबर मार्केट में हम तब अटेन करते हैं जब सप्लाई जो है लेबर की वो इक्वल हो जाती है डिमांड ऑफ लेबर. वही इक्विलेंट स्टेज आगे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होगी. तो अगर हम लेबर के केस में देख रहे हैं तो जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है हमें प्रोडक्शन में और डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है, उतनी लेबर है हमारे पास. तो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे हम. तो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज कब है, जब सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर है. नाउ लेबर क्या है, डिमांड फॉर लेबर हम कैसे कह सकते हैं. जो लेबर है हमें चाहिए टू कैरी आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, और जो डिमांड है लेबर की वो डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे. यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ एक हायरिंग एक एडिशनल लेबर को जब हम हायर कर रहे हैं वो लेस देन होनी चाहिए थी मार्जिनल रेवेन्यू गेन बाय देम. एक एडिशनल हमने लेबर हायर करी और उस लेबर को हायर करने से जो हमें आउटपुट एक्स्ट्रा मिला, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिली हमें मार्जिनल लेबर ऐड करने से, वो ज्यादा होनी चाहिए. रेवेन्यू जो मार्जिनल रेवेन्यू जो है सॉरी वो ज्यादा होना चाहिए. तो जो भी हमें उससे मिल रहा है, जो भी हमने एक एडिशनल लेबर लगाई है, तो उस केस में जो फर्म जो है वो उसको हायर करेगी ज्यादा लेबर. हाईवर ज्यादातर केसेस में क्या होता है फर्म चूज कर लेती है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन बाय यूजिंग देयर प्रेजेंट रिसोर्सेज. जो उनके पास प्रेजेंट लेबर है उन्हीं के थ्रू ही अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करती है. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस क्या है हमारा मनी वेजेस में और रियल वेजेस में. मनी वेजेस और रियल वेजेस क्या होते हैं. नाउ द अमाउंट ऑफ मनी that is paid to the labor for the services is called money wages. जो पैसा हम अपने लेबर को दे रहे हैं उनकी सर्विसेज को लेने के लिए वो क्या है मनी वेजेस. एंड इनकम ऑफ लेबर आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन परचेजिंग पावर उसको हम कहते हैं रियल वेजेस. यानी कि वो इनकम लेबर की जिसको हम कंसिडर करते हैं इन्फ्लेशन भी आ सकता है, परचेजिंग पावर में भी इफेक्ट पड़ेगा. जो भी उसकी पैसा जो एक्चुअल इनकम जो होती है वो उसको हम रियल वेजेस कहते हैं. जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, पी इज एक इंडेक्स होता है जो मेजर करता है कि चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, मतलब कि जब हमारी गुड्स का प्राइस जो भी चेंज हो रहा है इन एन इकोनॉमी वो हमारा
उसको हम प्राइस लेवल कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल। हेयर जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है एमपीपी, वो क्या है, डिफरेंस है हमारे आउटपुट वेन अ फर्म लेबर यूजेज इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 यूनिट अज्यूमिंग दैट द क्वांटिटीज ऑफ नो अदर इनपुट टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन चेंजेस। यानी कि हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है हमारे आउटपुट में डिफरेंस आता है जब फर्म की जो लेबर यूजेज है वो बढ़ जाती है 5 to 6 यूनिट्स। ये अज्यूम करते हैं कि जो क्वांटिटी है दूसरे इनपुट की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और लेबर की यूसेज जो है वो बढ़ गई है। तो सिंपली हम दिखा सकते हैं कि हमारे जो मनी वेजेस है W, वो इक्विवेलेंट है हमारे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय हमारे जनरल प्राइस लेवल से। अगर हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को पी दैट इज जनरल प्राइस लेवल से, विल गेट दिस W बाय पी इज इक्वल टू एमपीपी दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे रियल वेजेस है, यानी कि W को हमने P हमने पढ़ा कि हमारे रियल वेजेस है, वो इक्वल हो जाएगी हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की, यानी कि जो डिफरेंस है हमारे आउटपुट में बाय यूजिंग द प्रेजेंट रिसोर्सेज। तो जो डिमांड है लेबर की इज इनवर्सली रिलेटेड टू रियल वेजेस रेट ड्यू टू विच द डिमांड कर्व फॉर डिमांड कर्व फॉर लेबर इज स्लोप्ड डाउनवर्ड। यानी कि हमने देखा जो डिमांड है हमारे लेबर की वो इनवर्सली रिलेटेड हो गई है रियल वेजेस से, तो जिसकी वजह से डिमांड कर्व है हमारे लेबर का वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा लाइक दिस। नाउ इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा वेजेस होगी हायर दी वेजेस लोअर वुड बी दी डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेजेस ज्यादा होंगी तो क्या होगी डिमांड जो है लेबर की वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर लोअर वेजेस होंगी तो डिमांड जो है वो लेबर की ज्यादा हो जाएगी। नाउ ये हमने पढ़ा डिमांड फॉर लेबर, अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो फंक्शन है हमारे रियल वेजेस का, फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। तो इसको सिंपली हम दिखा सकते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ W फॉर्मेट पी। W फॉर्मेट पी हमने पढ़ा कि हमारे रियल वेजेस है, रियल वेजेस को हमने इसी सिंपल से शो किया है। तो सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई ऑफ लेबर एंड रियल वेजेस के बीच में। डायरेक्टली रिलेशन जैसे उसमें इनवर्सली रिलेटेड था, इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसका मतलब क्या है, रियल वेजेस जब इंक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ जाती है, सिमिलरली जब रियल वेजेस डिक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी डिक्रीज हो जाती है। इस रीजन की वजह से जो सप्लाई कर रहा है हमारी लेबर का वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, राइट। पॉजिटिवली स्लोप्ड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं लाइक दिस, दिस इज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। यानी कि इसके जितनी ज्यादा लेबर वेजेस बढ़ रही है रियल वेजेस, उतनी ज्यादा लेबर इंक्रीज हो रही है, और जितनी कम हो रही है उतनी कम हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कैसे आता है हमारे लेबर मार्केट में। जैसे कि हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम आता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, राइट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम डिटरमाइन करते हैं उस लेवल पे जहाँ पे डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल टू ईच अदर। इसको हम इस ग्राफ से शो कर सकते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम जो इसमें दिखाया जा रहा है, जो हमारी डिमांड है फॉर लेबर वो हमारा डिमांड कर्व ऑफ द लेबर एंड एस एल इज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। बोथ दिस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे जहाँ पे जो हमारी W फॉर द P यानी कि जो रियल वेजेस है वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, एट द इक्विलिब्रियम लेवल पे रियल वेजेस, और एल जो है हमारा इक्विलिब्रियम है लेबर का डिमांडेड और सप्लाई का, राइट। एल इज द इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर डिमांडेड एंड सप्लाई। अगर रियल वेजेस इंक्रीज कर देंगे हम W पर P लेवल से W पर P1 लेवल पर, ठीक है, अगर इस पॉइंट से हम इसको बढ़ा देते हैं रियल वेजेस, तो सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर अराइजेस, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी लेबर की विच पुशेस डाउन द वेज रेट और वेज रेट कम हो जाएंगे। और ऑन द कंट्रेरी अगर हम वेज रेट कम कर देते हैं W पर में P2 कर देते हैं, तो इससे जो वेज रेट कम हो गई तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी लेबर की विच रिजल्ट इन टू वेज रेट इंक्रीज इन वेज रेट। तो दिस इज इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट।
Now we have aggregate demand and aggregate supply function. There are two major determinants of the effective demand. Effective demand के मेरे पास दो effective दो major determinants आते हैं, तो aggregate demand function और aggregate supply function. Now aggregate demand function क्या होता है? Aggregate demand, जैसे कि हमने पढ़ा, total demand जो होती है, वो भी defined as total amount which all the buyers in an economy are willing to spend. मतलब कि जितने भी buyers हैं, total amount जो भी spend करना चाहते हैं, उसपे वो total demand होती है. जैसे हमने पहले भी definition पढ़ी aggregate demand की, जो total demand है final goods और services की हमारी economy में एक particular time पे, एक particular price level पे. And same is the aggregate supply, is the total supply of goods and services. तो aggregate demand function में basically हम ये पढ़ सकते हैं कि जो basically जो goods and services जो demanded है, वो दो purpose के लिए हम demand करते हैं, consumption करने के लिए या तो या कहीं पे invest करने के लिए. दो ही reason होते हैं हमारे पास demand के. जब भी हम कोई चीज demand करते हैं, तो या तो consume करने के लिए demand करते हैं या invest करने के लिए demand करते हैं. अब टोटल अमाउंट है हमारी एक्सपेंडिचर का, वो इनकर बाय हाउसहोल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड. जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, हाउसहोल्ड्स कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए खुद के कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो क्या हमारी प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड होगी. और टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट जो कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर परचेज करने के लिए कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को टू कैटर द कॉमन नीड्स ऑफ द कंट्री, उसको हम कहते हैं पब्लिक कंजम्पशन. तो अगर हम ऐड करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन को और पब्लिक कंजम्पशन को, हमें टोटल कंजम्पशन डिमांड मिल जाएगी गुड्स और सर्विसेज के लिए हमारी इकोनॉमी में. तो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है जो हमारे टोटल कंजम्पशन डिमांड का गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो क्या है? डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट. यानी कि जो डिमांड है कैपिटल गुड्स की और जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं हाउसहोल्ड्स, बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करंटली प्रोड्यूस रियल एसेट्स पे, जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स को हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है कैपिटल गुड पे, उसको हम कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट. और जब हम इन दोनों प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ऐड कर सकते हैं, मिल जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट डिमांड बाय द कंट्री. तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड. एंड कंजम्पशन डिमांड हमने बताया कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है. इन द सेम वे इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इक्वलेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो आ जाएगा, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से. और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. इसलिए जो हमारा एडी कर्व है, वो भी डिमिनिश हो जाएगा आते आते. दिस इज द ग्राफ ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जब हमारा सेल जब हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सेल प्रोसीड हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है. एक्स एक्सिस हमें रिप्रेजेंट करी है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करी है एग्रीगेट इनकम कितनी मिल रही है या सेल प्रोसीडिंग कितनी हो रही है हमारी आउटपुट से. तो जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, ओ एन से ओ एन वन फिर ओ एन टू, तो जो वॉल्यूम है हमारी टोटल सेल का, दैट इज ऑल्सो वो भी इंक्रीज होता जाएगा ओ आर फिर ओ आर से ओ आर वन ओ आर टू. तो ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है हमारे एन का, जहाँ पे एडी रिप्रेजेंट कर रही है हमें सेल्स प्रोसीड्स जो एक्सपेक्टेड है एक एंटरप्रेन्योर को, और एंड इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर कितने एम्प्लॉयड है. राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन. नाउ एग्रीगेट सप्लाई क्या है? पॉजिटिवली रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट से. राइट, जितनी हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज होता है विद एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा. जितनी वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी
सप्लाई फंक्शन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी। ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इसको सिंबॉलिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एन जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ए एस के एग्रीगेट सप्लाई और एन क्या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। नाउ दिस इज द ग्राफ विच शोज द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है हमारे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं और सेल प्रोसीडिंग हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई एएस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये, राइट। और एएस कर्व जो है वो स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है एएस कर्व जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है राइट में। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ओएन तो एक्सपेंडिचर कितना होगा ओआर, और जब वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर बढ़ के ओएन वन हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा ओआर वन हो जाएगा। और जब विद इंक्रीज इन इट्स एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एएस कर्व जो है वो स्टीप हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एएस कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। Now, aggregate, as we have discussed this one, now we'll come to determination of equilibrium. Equilibrium पे कैसे आएंगे? Now, जो equilibrium level हमारी economy में establish होता है जहाँ पे aggregate demand curve intersect करता है aggregate supply curve को। तो above figure में हमने देखा कि AD जो है वो हमारा aggregate demand function है, AS जो है हमारा aggregate supply function है, पॉइंट ई जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इंटरसेक्ट करे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को। इसको हम पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं जो इंडिकेट करती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओएन वन इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे। और अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम इंक्रीज कर देते हैं ओएन टू तो एएस जो है वो बढ़ जाएगा, मोर देन एडी हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड से। इसलिए जो फर्म है वो एम्प्लॉय एन टू वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करेगी। ऑन दी अदर एंड अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है ओएन से ओएन हो जाती है तो एडी जो है डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब क्या है जो प्रॉफिट है टू द प्रोड्यूसर प्रॉफिट हो जाएगा प्रोड्यूसर्स को, और जो प्रोड्यूसर्स है देयरफॉर एम्प्लॉय करेगी ज्यादा वर्कर्स तब तक जब तक एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। नाउ देयर सम दिस इज Now there's some question for you. The question number one is define aggregate production function and explain it with the help of examples and how is it different from production. And the second is distinguish between aggregate demand function and aggregate supply function. So that's all for today's session. Thank you so much. Happy V-Learning.